हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लेकर आए हैं गूगल का, गूगल ट्रांसलेटर ऐप। दोस्तों, ये एक बहुत ही काबिले तारीफ लैंग्वेज कन्वर्टर सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आप दो भाषाओं को बोल करके आप लैंग्वेज बदल सकते हैं। गूगल ने अपने ट्रांसलेटर ऐप को अब पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस बना दिया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। जो व्यूअर्स पहली बार आए हैं हमारे चैनल में, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए आइए मैं बताता हूँ आपको कि गूगल ने अपने इस ट्रांसलेटर ऐप में क्या नया फीचर को जोड़ा है। दोस्तों, कंपनी ने क्या किया है गूगल ने, कि उन्होंने जो नया ट्रांसलेट्रॉन फीचर को जोड़ा है, जिससे कि उसमें क्या हुआ है कि यूज़र डायरेक्ट स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेट कर सकता है। इसके लिए यूज़र को कोई टेक्स्ट हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली में गूगल ने क्या किया है कि AI का यूज़ करते हुए उन्होंने इस ऐप को बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेट्रॉन जो है गूगल का, ये पहला ऐसा एंड टू एंड मॉडल है जो कि बोलने वाली सभी भाषाओं को दूसरी भाषा में बदलने की काबिलियत रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब कैसे यूज़ करेंगे आप इस ट्रांसलेट्रॉन फीचर को। सबसे पहले आपको गूगल ट्रांसलेटर ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आइए प्ले स्टोर में चलते हैं हम। ओके, और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा गूगल ट्रांसलेट ऐप, यह हमने टाइप किया, और यहाँ से इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसमें कुछ समय लगेगा। 19.16 MB का ये ऐप है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है दोस्तों। इसका आप अच्छे यूज़ कर सकते हैं, और इसका अगर आप स्पेसिफिकेशंस में भी अगर आप जाते हैं, तो आपको इसमें काफ़ी जो है वो नए नए फीचर्स को देखने के लिए आपको जानकारियाँ मिलेंगी। ओके, तो आइए अब हम, ये हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड हो चुका है, और अब हम इसे ओपन करते हैं। ये हमने ओपन किया। अब आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, दो ऑप्शंस हैं कि योर प्राइमरी लैंग्वेज, मतलब आपका जो मेन लैंग्वेज रहेगा उसको आपको पहले वहाँ सेलेक्ट करना है, और उसको फिर आपको जिस लैंग्वेज में आपको उसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, उसको आपको सेकंड लैंग्वेज में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में मैंने इंग्लिश ही रखा है, अब सेकंड में आपकी इच्छा जो भी हो। वैसे यहाँ एक लंबा चौड़ा है, तमिल है, स्पेनिश है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको बड़ा ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम स्पेनिश कर देते हैं जो था रशियन। चलिए, ये भी ठीक है, नॉट बैड। तो यहाँ पे हमने कर दिया है, और अब हम इसे फिनिश करते हैं। एक बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है गाइस, कि अगर लिस्ट में आपकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो अगर नहीं है, तो आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब ऐप में दो माइक कन्वर्सेशन वाले जो आइकॉन है, ये जो आपको सेकंड है, थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड जो है इस पे आपको टैप करना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट कॉर्नर पे जो है इंग्लिश लिखा हुआ है, और यहाँ से आप जो भी सब्जेक्ट आप लैंग्वेज ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप बोलेंगे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी लंबा यहाँ पे लिस्ट है, आप इसमें से कोई भी, दुनिया भर के कोई भी लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं। ठीक है, और देन आपके पास में इस साइड में है रशियन, जो अभी हमने रशियन सेलेक्ट किया था। तो ऐसा करते हैं, हम इसको आपके लिए कुछ और करके देखते हैं। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सपोज़ अभी हम इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे तो हिंदी तो बहुत कॉमन हो गया है, इसके लिए तो बहुत सारे आपको दूसरे ऐप्स या सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं इटालियन, आपका हिब्रू, सो मेनी लैंग्वेजेस आ दिया। और जो लैंग्वेज नहीं होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं गुजराती को डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, या जर्मन लैंग्वेज को डाउनलोड करता हूँ, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आपसे परमिशन मांगेगा कि आप जो जर्मन ऑफलाइन ट्रांसलेशन है,
ये जब आप करेंगे तो ये को ट्रांसलेशन फाइल जो है वो 43 MB का है, तो ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम कैंसिल करते हैं इस वक्त, और ऐसा हम करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको चुनते हैं। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, लैटिन है, मैं लैटिन को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश को यहाँ सेलेक्ट किया है अपने लैंग्वेज में, और पंजाबी को मैंने लिया है ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त हमने जो डबल जो माइक जो था वो इसमें अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने डबल जो माइक्रोफोन है उस पर जब मैंने ये किया तो इसमें एक मैसेज आ रहा है नीचे पर, स्पीच इनपुट इज़न्ट अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड लैंग्वेज पंजाब। तो मतलब पंजाबी लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्सेशन के लिए हमारे पास में जो कन्वर्सेशन लैंग्वेज है वो नहीं आएगा। तो कोई चिंता की चीज़ नहीं है, आप यहाँ पर सिंपली आप टाइप कीजिए जैसा कि मैंने अभी यहाँ किया था। चलिए मैं हाउ आर यू आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा और देखिए नीचे जो ब्लू डार्क एरिया है, पोर्शन है, उसमें आ रहा है टू सी केवम हो। वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, आई होप आप लोग को बहुत काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए हम एक और चीज़ लिखते हैं, वॉट आर यू डूइंग। ठीक है, मैंने अभी ये लिखा इंग्लिश में, और देखिए इसका ट्रांसलेशन आ गया पंजाबी में, तो सिम की करा रही हो। तो मतलब अगर आप किसी और अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज़ में जाते हैं तो आप इसका बखूबी बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। और यहाँ पर जैसा मैंने एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि ट्रांसलेट टू, यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, बंगाली है, बल्गेरियन है, सो मेनी लैंग्वेजेस आते हैं, अरबिक है, तो आपको पहले उस लैंग्वेज को डाउनलोड कर लेना होगा। करीब करीब मान के चलिए 20-22 MB का वो जो लैंग्वेज है वो ऑफलाइन आपका ट्रांसलेशन फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद में आप फिर सिंपली आप यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पंजाबी है, अभी हम चाहें तो यहाँ पे पंजाबी, देखिए मैं हटाता हूँ और मैं कुछ और करता हूँ, ये कर देते हैं। और फिर अगर हम यहाँ पे अब लिखेंगे हाउ आर यू, तो देखिए कॉसियन कन लैंग्वेज में कुमो सताए, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। दोस्तों आपको एक सबसे स्पेशल फीचर की हम आपको बात बताएं, जो आप ऑप्शन देख करके शायद हैरान भी हो रहे होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कैमरा, तो कैमरा का यूज़ क्या है आपको हम एक ग्लिम्स के ज़रिए हम आपको एक दिखाते हैं, एक झलकी दिखाते हैं कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, सपोज़ आप किसी फॉरेन कंट्री गए हैं, जापान गए हैं या कहीं और गए हैं, या कोई भी अदर लैंग्वेज, इंडियन स्टेट्स में भी कहीं पर भी अगर आप जाते हैं और आपको किसी अदर लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखा हुआ रहता है, सपोज़ आप किसी रेस्टोरेंट गए गए और वहाँ पर आपने मेन्यू कार्ड में देखा कुछ लिखा हुआ है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये मालूम है कि वो कौन सा लैंग्वेज है, तो आप उसे इस कैमरा ऑप्शन के द्वारा आप अच्छे से स्कैन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, जैसे आप स्कैन कीजिएगा और फिर आप जिस ट्रांसलेट टू, जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कीजिएगा उस लैंग्वेज में वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है इसका, जो कि आप ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे, ऐसा मुझे तो ज़रूर लगता है। सो गूगल ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का बहुत ही अच्छा यूज़ किया है, और अब तक आप कह सकते हैं कि गूगल का ये एक जो ट्रांसलेटेड फीचर वाला जो ऐप है ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो उन्होंने अभी तक इसे ऐड किया है, और आप किसी भी एक भाषा को बोलकर उसे दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं वेरी इजीली। तो आई होप कि आपको आज का हमारा ये जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसे एक लाइक दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि इस नए फीचर वाले ऐप के बारे में लोगों का जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो, वो इसको यूज़ कर सके। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और इजाज़त दीजिए मुझे, आपके होस्ट विशाल कुमार जायसवाल को। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए वेरी वेरी गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।